मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की रिहाई इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सियासी टॉनिक माना जा रहा है। 10 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए और 11 मई को उन्होंने बीजेपी को घेर लिया। 50 दिन जेल में रहने का हिसाब केजरीवाल ने सिर्फ एक ही भाषण से चुकता कर लिया। हालत ये हो गई कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने पर उतर आई। अमित शाह को सफाई वाले लहजे में बयान देना पड़ा। सबसे पहले केजरीवाल का शब्द बाण सुनिए और ये समझिए कि निशाना कहाँ पर। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? इस बयान का सीधा सीधा मतलब ये है कि पीएम मोदी अपने कहे मुताबिक 75 की उम्र में अगर पीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि अमित शाह होंगे। यानी जनादेश मोदी के नाम पर अगर मिल भी गया तो अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे मोदी। इसके बाद बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई। खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला और केजरीवाल के दावों का जोरदार पलटवार किया। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूँ, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही ये घोषणा की थी कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी के किसी भी नेता को सरकार या पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि युवाओं को आगे आने का मौका मिल सके। और पिछले काफी समय से हम ये देख भी रहे हैं कि एक एक करके कई सारे नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारियों से मुक्त करके घर पर बैठा दिया। इस नियम के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 2 सालों में पीएम मोदी भी 75 के होने वाले हैं। तो क्या पीएम मोदी 2 साल बाद अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? यही सवाल केजरीवाल ने भी किया, जिसे अमित शाह ने खारिज कर दिया और कहा कि बहुमत मिला तो मोदी पूरे 5 साल कुर्सी पर रहेंगे। भैया मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। अमित शाह के बयान का मतलब साफ है, 2014 के दावों से यूटर्न। और उधर केजरीवाल ने एक और बयान दिया जिसकी चर्चा जोरों पर है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने बीजेपी के कई नेताओं को पैदल कर दिया है। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अपने भाषण में केजरीवाल ने उस मुद्दे को भी छेड़ दिया जिस पर बीजेपी में भी अंदर खाते नेताओं में और कार्यकर्ताओं में बातचीत तो होती थी लेकिन कोई खुलकर सामने आकर कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन योगी की विदाई की भविष्यवाणी करना हैरत अंगेज था। जब केजरीवाल के इस बयान पर अमित शाह से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि तानाशाह कहा है प्रधानमंत्री जी को और कहा कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और ये तक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम लेते हुए कहा कि जैसे उनकी राजनीति खत्म कर दी है,
अगले 2-3 महीने में जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी राजनीति जो है वो खत्म हो चले। आपके अलावे ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है। और केसीआर को मैं कहना चाहता हूं कि भाई रीजनल पार्टी की बात आप जरूर करो, आपका अधिकार है, तेलंगाना की जनता को तय करना है। आप काउंटिंग के दिन देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यहां 10 से ज्यादा कमल के साथ यशस्वी बनकर बाहर आएगी। बीजेपी के अंदर मोदी के बाद योगी को लोग अच्छे और ताकतवर नेता के रूप में देखते हैं, और बीजेपी ही नहीं बल्कि देश में भी योगी की छवि अच्छी है, और इसकी वजह है यूपी में उनका अच्छा शासन। इस वजह से कई लोग, खास करके यूपी के लोग, उन्हें मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना भी चाहते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी की बस यही कमजोर रग दबा दी और बेचैनी को हवा देना चाहते थे, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और अब आगे क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते, समय बताएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।